अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ विंटर स्किन केयर रूटीन। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं आपको डिवाइस दिखा रही हूँ, इस डिवाइस का नाम है अल्ट्रासोनिक डिवाइस। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो के लास्ट में इसकी वीडियो अटैच कर दूँगी, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल डिवाइस है आपके फेस की और स्किन के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको विंटर स्किन केयर जो है मेरी क्या है। अच्छा जी, तो मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश। मैंने किसी भी आप फेस वॉश से, क्योंकि मैंने डबल क्लिनजिंग की है, तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश किया है। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा क्लिनजिंग का है वो है डर्मा क्लेयर का ब्राइटनिंग डीप क्लिनजर। ठीक है, मुझे ये पर्सनली पसंद है सो मैं यूज़ करने लगी हूँ। आपको कोई भी क्लिनजर पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सर्दियों में क्या होता है, हमारी स्किन हो जाती है ड्राई और बहुत ज़्यादा डल हो जाती है ड्राई होने की वजह से। तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन जो है उसको डेली बेसिस पे फॉलो करें ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे, ड्राई नहीं हो, डल नहीं हो। क्योंकि अगर हम अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो जाएगी। सो अब जो है मैं क्लिनजिंग कर रही हूँ अपने फेस पर, क्लिनजर लगा के अच्छे से अपने फेस को जो है क्लीन कर लें, क्योंकि मैं पहले फेस वॉश कर चुकी हूँ तो अब मैं क्लिनजर से क्लीन करने लगी हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अल्ट्रासोनिक डिवाइस अपनी। इसको इससे क्या होगा, जो मेरी स्किन के डेड जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होंगे, मेरे वाइट हेड्स रिमूव होंगे, मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव होंगे, और मेरी जो स्किन की डेड सेल्स हैं वो रिमूव होंगे, जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप यूज़ करेंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो। सो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने क्लिनजिंग के लिए ऑन वाला जो बटन है वो ऑन कर दिया है और अब मैं अपने स्किन पे इससे क्लिनजिंग करूँगी। सो आपने 45 डिग्री एंगल से फेस पे रख के यूज़ करना है, बिल्कुल सीधा यूज़ नहीं करते। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये इजीली अवेलेबल होता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इसको कहीं से भी। तो ये देखें, अब मैं ना इसी से ही अपने जो क्लिनजर है उसको हटा रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरे जो वाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं और मेरी जो स्किन है वो भी क्लीन, नीट एंड क्लीन हो रही है। ये आपको इतना नज़र नहीं आएगा इसमें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इससे इतनी ज़्यादा डस्ट निकल रही है, हालांकि मैंने अपने फेस को ऑलरेडी वॉश किया हुआ था फेस वॉश से, उसके बावजूद भी मेरी स्किन से जो क्लिनजर है वो ब्लैक होकर उतर है। हालांकि मैंने कोई भी मेकअप अपने फेस पे नहीं लगाया हुआ, लेकिन फिर भी जो है हमारी स्किन के अंदर डस्ट रहती ही रहती है जब तक हम अच्छे से क्लिनजिंग नहीं करते हैं फेस पे। चलें जी, ये तो मैंने क्लिनजिंग तो कर ली है, अब हम स्टेप टू करते हैं। अच्छा जी, क्लिनजिंग करने के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है ताकि आपका जो क्लिनजर है वो रिमूव हो जाए फेस से। उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप मैंने कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप ले सकते हैं, मेरी स्किन ड्राई है तो जो मेरी स्किन को सूट करती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने वो ले ली है। उसके अंदर मैं कुछ ड्रॉप्स जो हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है तो आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आप ऑयल बेस्ड कोई भी जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्रीम को और मतलब ऑयल को अपने। अब मैं इसको स्किन पे अच्छे से आप पूरे फेस पे लगा लें अपने, तो आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होनी चाहिए, आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ अल्ट्रासोनिक डिवाइस, सो उसको यूज़ करने के लिए आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। उसको उससे पहले आपकी स्किन जो है वो वेट होनी चाहिए, या फिर आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। तो ये मैं अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम का, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। चलें जी, मेरी स्किन हो गई है अच्छे से मॉइस्चराइज, तो अब हमने यूज़ करना है स्पैचुला, जो मैंने लास्ट टाइम ऐसे यूज़ किया था। अब ऐसे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमें जो है वो मॉइस्चराइज़र जो है उसको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करना है ताकि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे लॉन्ग टाइम तक। सही है, तो अब हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और ताकि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे, हमारी स्किन जो है वो डेड सेल्स जो है वो ख़त्म हो। क्योंकि लास्ट जो हमने क्लिनजिंग की है उसमें हमें अपनी डेड स्किन जो है वो रिमूव की है, अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव किया है।
ये आप मतलब स्किन केयर रूटीन जो है वो तो डेली ही अपनी रूटीन में उसको फॉलो करें, बट जो आप डीप क्लिनजिंग करते हैं वो आप वीक में एक बार एट लीस्ट करें ही करें, ताकि आपकी स्किन जो है नीट स्मूथ और शाइन रहे। क्योंकि जब आप स्किन केयर प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डस्ट चली जाती है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। सो ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, आप क्लिनजिंग करने से पहले एक और मतलब एडिशन कर सकते हैं, आप अपने फेस पे स्टीम ले लें ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वो अच्छे से रिमूव हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और मैं उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सी प्रोडक्ट आपके फेस के लिए अच्छी है और कौन सी प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन के लिए अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट आपको सर्दियों में यूज़ करनी है। वन मोर थिंग, आप जितने भी स्टेप्स कर रहे हैं उनको करने में आप 1 से 2 मिनट का गैप दें बीच में, ठीक है जी। अब हमारा थर्ड स्टेप है, मैंने जी पिक्सी ग्लो टोनर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लो देता है और बहुत ही बेनिफिट्स हैं। आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट करता है, ब्राइट करता है, रिवीलिंग हेल्दी ग्लोइंग स्किन करता है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए होता है। सो ये अगर आप ले सकते हैं ये लें, और ये अपनी स्किन के ऊपर मैं टैप टैप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। बेसिकली मैं बहुत ही थोड़ी सी स्किन केयर अपनी लिमिटेड रखती हूँ ताकि मैं डेली इसको फॉलो कर सकूँ, बीच में गैप ना ही दूँ अपने स्किन केयर में, तो अच्छा है। तो ये मैं हल्की सी टैप टैप कर रही हूँ अपनी स्किन पे, इससे क्या है मेरी स्किन पे एक्नी नहीं हो रही है, जो एक्नी मार्क्स हैं वो भी डल हो रहे हैं, और आपकी जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं वो अगर आप डीप क्लिनजिंग कर ले तो वैसे रिमूव हो जाते हैं जी। फोर्थ स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ नाइसिनामाइड सीरम, ये मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और जो पिक्सी क्लो टोनर है वो मैं एक दिन के गैप से यूज़ करती हूँ। तो इसके आपने कुछ ड्रॉप्स अपने फेस पे डालने हैं। नाइसिनामाइड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपके जो एक्नी स्कार्स हैं उनको डल करता है। बेसिकली मुझे एक्नी हो चुकी थी जिसके बाद मैंने नाइसिनामाइड यूज़ किया, बट आपको मैं किसी दिन इस पर पूरी वीडियो बनाऊँगी, ये आपको डेली बेसिस पे ही यूज़ करने चाहिए सीरम्स, क्योंकि आप जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो स्किन पे है वो एंटी एजिंग जो है वो आपको क्रीम्स जो है वो सीरम्स यूज़ करने चाहिए अपनी स्किन पे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है इन पे फुल वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए जी, ये मेरी स्किन केयर रूटीन होगी कंप्लीट, और उसके बाद जो है मैं इसको भी पेनिट्रेट करने के लिए अपनी स्किन में, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट भी नहीं आपको इसको फेस पर करना, ताकि आपने जो सीरम लगाया वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है जी। और मैंने इसका जो है ना अब लिफ्टिंग मोड ऑन किया है, ताकि मेरी जो स्किन है वो लिफ्ट करे, टाइट हो, और मेरे पोर्स जो हैं वो इससे भी श्रिंक हो। एक तो मैंने सीरम लगाया है जिससे मेरे पोर्स श्रिंक होंगे, और इससे भी मेरे पोर्स जो हैं वो श्रिंक होंगे बहुत ज़्यादा, सही है जी। तो आपने इसको 1 से 2 मिनट अपने फेस पर दोबारा से कर लेना है लास्ट स्टेप में। स्टेप भी मेरा हो गया है कंप्लीट, ये मैं अपनी जॉ लाइन पे कर रही हूँ ताकि मेरी जो जॉ लाइन है वो प्रोमिनेंट हो, ठीक है जी। ये देखिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ, शाइनी, ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।